नमस्कार, मैं हूं कविता। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तैयारी में लगे विपक्ष के पास कोई मुद्दा हो या नहीं, लेकिन वो सभी एक बात पर सहमत हैं, कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी करो, लेकिन मोदी सरकार को हटाओ। उनका नारा भी यही है, मोदी हटाओ देश बचा। इसके लिए वो हर दुश्मन पार्टी से भी हाथ मिलाने को तैयार है। ये लड़ाई ना विचारधारा की है ना मुद्दों की, वजह है तो सिर्फ एक, मोदी हटाओ। लेकिन बीजेपी ने भी विपक्ष की मुहिम का तोड़ निकाल लिया है। जानकारों की माने तो यूपीए से कम वोट होने बावजूद जिस तरह से एनडीए हरिवंश नारायण उपसभापति का चुनाव जीत गए, वो महज एक ट्रेलर है। इस चुनाव में सिर्फ उपसभापति का ही चुनाव नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी अप्रत्यक्ष टीम तैयार हुई है जो 2019 में जरूरत पड़ने पर बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। इस चुनाव से बीजेपी को यह तय करना आसान हो जाएगा कि अगर महागठबंधन किसी तरह समीकरण बनाकर बीजेपी को पीछे करने में कामयाब भी हो जाता है, तो वो कौन से दल होंगे जिनके सहारे बीजेपी 2019 में विपक्ष को मात दे सकती है। हालांकि बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो ये अभी दूर की बात है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के नाराज सहयोगी फिर से करीब आते दिखाई दिए, फिर चाहे वो शिवसेना हो या फिर अकाली दल। ऐसे में बीजेपी को नए सहयोगियों की जरूरत पड़े ये जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो तय है कि चुनाव में बीजेपी की एक ऐसी टीम दिखाई दी जो टीम भी कही जा सकती है और जरूरत पड़ने पर बीजेपी को सत्ता तक फिर से पहुंचा सकती है। इस टीम में जो सबसे अहम सदस्य हैं वो है बीजेडी, जिसने एनडीए के हरिवंश को समर्थन देकर एकाएक सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि नवीन पटनायक बीजेपी के धुर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन एनडीए की शानदार रणनीति के चलते वो भी उनके पाले में आते दिख रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस ने भी एनडीए के समर्थन में अपना मत दिया। ये वो तीन पार्टियां हैं जो भले ही बीजेपी के साथ ना हो, लेकिन आखिरी वक्त में विपक्ष के खेल को खराब करने के लिए बीजेपी के काम आ सकती है।